बात करते हैं छोटे सरकार की। प्रदेश के 90 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव परिणाम और चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस 48, बीजेपी 37, निर्दलीय 3, एनसीपी और आरएलपी एक एक जगहों पर अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही। और जिस तरीके का आंकड़ा फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बताया था कि कांग्रेस के पास बहुमत बेशक कम हो निकायों के हिसाब से, लेकिन जिस तरीके की रणनीति बनाई गई थी उसके हिसाब से परिणाम लगभग कांग्रेस के पक्ष में आते हुए 48 जगहों पर अध्यक्ष बनाने में कांग्रेस कामयाब रही है। प्रदेश के 90 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, क्या सभी के अंदर यह घोषणा हो चुकी है कि कहां किसको अध्यक्ष चुना गया, या कहीं पर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, 90 के 90 जो निकाय हैं उनमें अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम डिक्लेयर हो गया है। सबसे कम उम्र के अगर अध्यक्ष माने तो नीलोफर हैं, जो शुरू के सुल्तानगढ़ में निर्वाचित हुई हैं। इसी तरह से हम अगर और इसका एनालिसिस करें तो बीकानेर के नोखा में एनसीपी का अध्यक्ष बना है, तो वहीं नागौर के मुंडवा में आरएलपी का अध्यक्ष बना है, और 3 जगह निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए हैं, नागौर नगर परिषद में, उदयपुर के भिंडर में और भीलवाड़ा के गंगापुर में निर्दलीय अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ ही पूरा विश्लेषण किया जाए तो 11 अध्यक्ष साक्षर हैं, और जबकि 2 अंगूठा टेक अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि साक्षर भी नहीं है। तो ये पूरा हम मान सकते हैं विश्लेषण है, और कांग्रेस ने बाजी मारी है जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे। जानकारी अभी तक लग पाई कि जो 3 निर्दलीय हैं जहां अध्यक्ष चुने गए और 1 एनसीपी का और 1 आरएलपी का, इनको किस पार्टी ने समर्थन दिया है? देखिए, पार्टी का समर्थन पार्टी के निर्णय पर निर्भर है, और पार्टी अपने अपने हिसाब से समर्थन देती रही है या पार्टी वापस लेती रही है, लेकिन ये जो परिणाम है वो साफ है। 90 निकायों के चुनाव परिणाम डिक्लेयर हो गए हैं, कांग्रेस ने बाजी मारी है, और जो अगर विश्लेषण हम साफ करें तो 11 अध्यक्ष साक्षर हैं और 2 अंगूठा टेक। जी बिल्कुल ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।